शेयर मार्केट के बारे में अब जानना चाहती हूँ पंडित जी, इस हफ्ते में शेयर मार्केट बहुत बड़ा उछला था, क्या ये उछाल इस हफ्ते भी कायम रहेगी और कमोडिटी मार्केट कैसे रहेगा? देखिए, शेयर मार्केट में सबसे बड़ा उछाल जो आया वो परसों आया, कल आया, कल आया, क्योंकि कल माननीय सीतारमन जो अर्थमंत्री हैं उन्होंने टैक्सेस में जिस तरह की रिलैक्सेशन लाई उससे मार्केट में हरियाली आई, और अचानक जिस तरह के एफआईआईज को उन्होंने प्रावधान दिए, उनके ऊपर जो टैक्स लगता था, उनके ऊपर जो बंदिशें थी, आज एक बात ध्यान से सुनिए, बाजार में जो 2100-2300 की बढ़त हुई थी 1918 पे बंद हुई है, ये अभी शुरू हुई है। बाजार 40,000 का आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि एफआईआईज के लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारतीय बाजार जो है वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है धन कमाने के लिए, और एफआईआईज जो हैं कल से जब परसों से जब इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो विद इन ए वीक 1000 से 1500 पॉइंट जो है बाजार वापस बढ़ सकता है। 39,200 ऊपर का आंकड़ा, 37,600 नीचे का आंकड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, 11,500 निफ्टी, यहां पर ध्यान से सुनिए खुशी की बात, 11,500 निफ्टी और नीचे का स्तर 11,100, गोल्ड 37,800 के ऊपर, 38,000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, मगर दिवाली तक 40,000, चांदी 45,000-46,000 चल रही है, चांदी 50,000 का आंकड़ा छू सकती है, कहीं ना कहीं बीएससी और एनएससी में एक बार आपको बढ़िया हरियाली नजर आती हुई दिखाई देती है, मगर बाजार में पैसा कमाएं और निकलें, कमाएं और निकलें, रिस्क मत लें।